हेलो चिल्ड्रेन टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नंबर्स ओके सो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन अबाउट व्हाट इज नंबर तो द नंबर इज इन हिंदू अरेबिक सिस्टम वी यूज टेन सिंबल्स नेमली जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन टू

में वन जीरो यूज हुआ इलेवन वन वन यूज हुआ ट्वेल्व जिसमें वन टू यूज यानी कि जितने भी दुनिया में डिजिट्स होते हैं वो सारे इन्हीं डिजिट से मिल करके हिंदू अरेबिक सिस्टम से टेन सिंबल से मिलकर के बनते हैं तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है नंबर्स की जो नंबर्स होते हैं नंबर इज डिनोटेड बाई अ ग्रुप ऑफ डिजिट इट्स कॉल्ड न्यूमेर अगर जब हम नंबर्स को एक ग्रुप में अरेंज करेंगे और उसको शो करेंगे तो उसको हम लोग न्यूमेर कहते हैं लाइक like एग्जाम्पल हम लोग ने बिलो शो किया है कि व्हाट इज अ इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम तो देख रहे होंगे कि इंडियन प्लेस वैल्यू यहां पर हमने चार्ट लिखा है जिसमें हमने डिनोट किया है कि व्हाट इज अ मीनिंग यहां पर दिखाया है कि फर्स्ट पे वंस फिर दिखाया है टेंस फिर हंड्रेड फिर थाउजेंड फिर टेन थाउजेंड फिर लैख फिर टेन लैख फिर करोड़ एंड फिर टेन करोड़ ये हमने दिखाया है ये जो हमारी है ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है जिसमें बताया गया है हंड्रेड right है। है? Right right, होता है फिर थाउजेंड होता है फिर टेन थाउजेंड होता है फिर लैख होता है फिर टेन लैख होता, होता है फिर करोड़ होता है और फिर टेन करोड़ होता है जैसे देख रहे हो नंबर लिखा है फाइव जीरो नाइन जीरो सिक्स थ्री 2, 5, ये अरेंज किए हैं यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिखा है कि यानी ये जो हमने numbers लिखे हैं में में कैसे हम लोग इसको numbers को word में लिखेंगे तो simple है सबसे पहले हम नंबर को नोट no डाउन करेंगे पुट like करते हैं इंडियन प्लेस वेल्यू चार्ट में पहले हम लोग पहले वन टेन्स हंड्रेड के बाद पुट करते हैं फिर जो दो पीरियड है इस पीरियड जो 251 है जो ये वंस टेंस और हंड्रेड होता है इसको हम लोग वंस पीरियड के नाम से भी जानते हैं किस पीरियड के नाम से जानते हैं वंस पीरियड के नाम से जानते हैं ओके और फिर उसके बाद आता है थाउजेंड टेन थाउजेंड के बाद हमने कॉमा पुट किया है तो इन दोनों को हम लोग बोलते हैं थाउजेंड पीरियड फिर उसके बाद है आपका लैक टेन लैक इसको हम लोग बोलते हैं लैक पीरियड फिर इसके बाद ये जीरो और फाइव देख रहे हो तो इसको बोलते हैं हम लोग दोनों को करोड़ पीरियड तो टेन करोड़ के बाद भी हंड्रेड करोड़ आता है तो लाइक like एग्जाम्पल हमने तीन के बाद कॉमा पुट किया फिर दो फिर दो और फिर उसके बाद दो तो इस तरीके से हम लोग कॉमास को पुट करते हुए चलेंगे अब जैसे हम लोग यहाँ पर फाइव जीरो को देख रहे हैं तो फाइव जीरो जो है ये टेन करोड़ और करोड़ की पोजिशन पे है इट मीन्स दैट हम लोग इसको बोलेंगे फिफ्टी करोड़ ये नाइन जीरो जो है ये टेन लाख और लैख की पोजिशन पे इट मीन्स दैट दिस इज कॉल्ड नाइनटी लैख फिर देख रहे हो यहां पर सिक्स और

देन आफ्टर कैसे हम लोग नंबर्स के वर्ड्स में लिखे थे ये एक्सप्लेन हुआ था अब नेक्स्ट है कि कैसे हम लोग नंबर्स को फेस वैल्यू में अरेंज करते हैं और कैसे हम लोग उसकी प्लेस वैल्यू पहचानते हैं तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि हमने एग्जांपल्स कुछ लिखे हैं तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि फेस वैल्यू होती क्या है फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ इनल इज द वैल्यू ऑफ अ डिजिट इट्स सेल्फ यहां देख रहे होंगे द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट

ये फाइव जो है ये टेंस पोजीशन पे ये फोर जो है हंड्रेड पे एट जो है वो थाउजेंड पे ये जो है वो टेन थाउजेंड पे और ये किस पोजीशन पे लैक तो जिसको हम लोग बोलेंगे फिथ थाउजेंड और टेन थाउजेंड के बाद कॉमा पुट करते हैं है। तो यहां लिखा हुआ सिक्स लैक थर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी सेवन तो अगर हम लोग इसमें फेस वैल्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं द फेस वैल्यू ऑफ एट अगर हम एट की फेस वैल्यू बोलेंगे तो दो थाउजेंड पोजीशन पे एट नजर आ रहा है ना नहीं वो हम लोग बोलेंगे एट को एट क्योंकि फेस जो होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है लाइक like एग्जांपल अगर आप क्लास में बैठते हैं तो क्लास में आप आज जो हैं वो कल फिर नेक्स्ट डे फिर से वही सेम फेस से लेकर के आओगे मतलब जैसे हो वैसे नेक्स्ट डे फिर से वही तो उसको हम लोग बोलते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है वो अभी नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे थर्ड पॉइंट में कि फेस प्लेस वैल्यू क्या होती है दोनों एग्जांपल्स को मर्ज कर करके द फेस वैल्यू ऑफ अ इज वैल्यूज एंड सो ऑन इट मींस दैट कि मतलब जो प्लेस है वो प्लेस वही की वही रह जाती है और उसी को ही इसकी फेस वैल्यू बोलते हैं जैसे सेवन की फेस वैल्यू सेवन ही होगी फाइव की फेस वैल्यू फाइव ही होगी फोर की फेस वैल्यू फोर एट की एट थ्री की थ्री और सिक्स की सिक्स तो इसको बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू अब हम हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्लेस वैल्यू तो प्लेस वैल्यू और जिसको हम लोग लोकल वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन द इनल के नाम से भी जानते हैं अब प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है कि वो किस प्लेस पे है जो हम लोग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में सीखे हैं इन द न्यूमेर थर्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी सेवन जो हम लोग सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं फिर से हम लोग यहाँ पुट किए हैं कि सेवन जो है वंस पे है फाइव जो है वो टेंस पे है, और फोर जो है वो हंड्रेड पे और एट जो है थाउजेंड पे और थ्री जो है टेन थाउजेंड पे और ये सिक्स जो है वो लैख पे इट दैट मीनस का सेवन का सेवन ये फाइव जो है वो टेंस पोजिशन पे इट मीन दैट फिफ्टी फोर जो है वो हंड्रेड पोजीशन पे इट दैट फोर हंड्रेड तो आपको पता होगा कि में एक जीरो लगता है हंड्रेड में टू जीरो लगता है थाउजेंड में तीन जीरो टेन थाउजेंड में फोर जीरो में फाइव जीरो तो अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू जैसे अगर क्लास में हम लोग बैठते हैं तो देखते हो कि क्लास में अगर दो बच्चे बैठे हैं जैसे मान लो तो दो बच्चे बैठे हैं एक सीट पे बैठे हैं और एक इधर सीट पे बैठे हैं एक लाइक एग्जाम्पल अगर हम लोग इसको इधर कर दिए और इसको इधर कर दिए तो इसको हम लोग बोलेंगे प्लेस वैल्यू प्लेस का कन्वर्जन लेकिन उन बच्चों की फेस की वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं होगी इट मीन्स दैट उनका फेस हमेशा वही का वही रहेगा लेकिन प्लेस हमेशा क्या हो सकती है चेंजेस हो सकती है तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू और इसको हम लोग बोलते हैं प्लेस वैल्यू थैंक यू हेलो चिल्ड्रेन टूडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट नंबर सिस्टम जैसे कि हम लोग ने दो क्लासों में दो लेक्चर्स में पहले नंबर्स के बारे में जाना था न्यूमेरल्स के बारे में जाना था इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के बारे में जाना था कैसे हम लोग नंबर्स को इन वर्ड्स में लिख सकते हैं उस बारे में जाना था फिर हम लोग ने जाना था कि फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट ऑफ द न्यूमेरल्स क्या होती है और प्लेस वैल्यू ऑफ और लोकल वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द न्यूमेरल्स क्या होती है आफ्टर कंप्लीटिंग दीज टू लेक्चर्स फिर हम लोग अपने तीसरे लेक्चर्स पे चलते हैं कि अब हम लोग ये जानते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या होते हैं टाइप्स ऑफ नंबर तो टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहला नंबर नाम आता है नेचुरल नंबर का फर्स्ट टॉपिक नाम आता है नेचुरल नंबर आखिर नेचुरल नंबर होता क्या है तो नेचुरल नंबर होता है नेचुरल नंबर इज सबसे पहले एक नाम बताते हैं कि नेचुरल नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर काउंटिंग नंबर मतलब जिस चीज को हम काउंट कर सकते हैं इट मीन्स वो नेचुरल नंबर है जैसे हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी चीज़ हम काउंट कर सकते हैं वो सारी की सारी चीज़ें क्या है नेचुरल नंबर है जैसे क्लास में हमारे थर्टी बच्चे हैं वो सारे के सारे नेचुरल नंबर है नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्या है काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर मतलब जो काउंट कर सकते हैं नंबर्स को उन्हीं को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं एग्जाम्पल वन टू थ्री फोर फाइव ई टी सी आर ऑल आर नेचुरल नंबर इट मीन्स दैट इन्फिनाइट तक यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम वन एन इन्फेनाइट मतलब जहां पर वर्ड्स की कभी नंबर्स की कभी एंडिंग ही नहीं होती हो उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर यानी कि जिस चीज़ों को हम लोग काउंट कर सकते हैं वो हमारा क्या होता है नेचुरल नंबर क्या होता है नेचुरल नंबर सेकेंड टॉपिक पे अपने आते हैं टाइप्स ऑफ नंबर में सेकेंड टॉपिक सेकेंड टाइप्स क्या है सेकेंड टाइप है होल नंबर अब होल नंबर क्या होता है तो होल नंबर का मतलब होता है ऑल काउंटिंग नंबर्स यानी कि जितने काउंटिंग नंबर्स हैं इट मींस दैट स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू इनफेनाइट जो सारे काउंटिंग नंबर हैं अगर उसमें टुगेदर अ जीरो फॉर्म द सेट ऑफ द होल नंबर अगर उसमें हम लोग जीरो एक ऐड कर दें यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम कहां से जीरो से तो जैसे एग्जाम्पल दस जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एक्सेट्राज आर क्या है ये होल नंबर है दैट क्लियर द नेक्स्ट एक छोटा सा हमने नोट दिया हुआ है इस नोट को पढ़े पढ़ेंगे नोट क्या है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर यानी कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं बट जीरो इज अ होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर यानी कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर कहला सकते हैं बट लेकिन जीरो जो है वो होल नंबर है वो कभी भी नेचुरल नंबर नहीं कहला सकता है थैंक यू